सो अब हॉर्न्स को चेक करते हैं एक बार, एंड ट्रस्ट मी गाइस, दे आर एक्सट्रीमली वेरी लाउड। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डीआईवाई जुगाड़, और मेरा नाम है वैभव। तो आज की वीडियो होने वाली है हमारे बलेनो के ऊपर, और मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंस्टॉल करे थे अपनी कार के अंदर रूट्स के मेगा सोनिक हॉर्न्स। तो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो है। तो आज हम उन हॉर्न्स को रिमूव करेंगे अपनी कार में से, क्योंकि अराउंड 1 से 1.5 साल हो चुका है मुझे उन हॉर्न्स को लगाए, और लाइक उन हॉर्न्स की मुझे थोड़ी सी बाद में नेगेटिव पॉइंट्स भी पता लगे, तो उन हॉर्न्स का भी एक आपको रिव्यू दूंगा। और साथ ही साथ मैं इंस्टॉल करूंगा अपने कार में नए हॉर्न्स, और आज कुछ थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि 2 ही हॉर्न्स लगते हैं कार्स के अंदर, तो आज हम लगाएंगे 4 हॉर्न्स और जो साउंड है वो बिल्कुल ही चेंज कर देंगे। सो सबसे पहले तो मैं आपको अपने जो मेगासोनिक हॉर्न्स है एक बार उनकी आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि आवाज़ कैसी रहने वाली है। तो ये तो थी हमारे पुराने वाले हॉर्न्स की साउंड। तो अभी तो एक सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये जो बहुत ज़्यादा लाउड है, तो लाइक सिटी में अगर कोई आपके आसपास चल रहा होता है तो वो बंदा आपको सामने से गालियाँ निकालता है, एक तो वो बात होगी। और जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट रहने वाला है इनका, वो मैं आपको बम्पर खोल के बताऊंगा कि क्या इशू आता है, और अगर आपकी कार में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो कैसे आपको हार्म करता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये एप्लीकेशन रहने वाली है हमारी MPL ऐप, मोबाइल प्रीमियर लीग, और इस ऐप की हेल्प से आप काफ़ी सारी गेम्स भी खेल सकते हैं और साथ ही साथ कैश भी कमा सकते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ऐप को करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इसको कर लीजिए अपने फ़ोन में इंस्टॉल। और इस ऐप के जो ब्रांड एंबेसडर रहने वाले हैं वो है हमारे विराट कोहली सर, इंडियन टीम के कैप्टन। तो ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद ही आपको करना है साइन अप अपना नंबर भर के, और जैसे ही आप अपना साइन अप करेंगे उसके बाद आपको मिलेगा 10 रुपीज का कैश बोनस, जिससे आप आगे काफ़ी सारी गेम्स जाके खेल सकते हैं, लाइक कैरम, लूडो, पबजी और चॉप चॉप वगैरह ऐसी गेम्स खेल सकते हैं। और इन गेम्स को खेलने के साथ साथ आप कमा सकते हैं काफ़ी सारा कैश भी, और जितने भी आप पैसे कमाएंगे तो आप उस सबको ट्रांसफर कर सकते हैं पेटीएम या UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में। तो गेम्स खेलिए और साथ साथ पैसे कमाइए। आपको डाउनलोड करने का लिंक नीचे रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इसको चेक करिए। तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। सो गाइस ये रहने वाले हमारे आज के हॉर्न्स। तो ये हॉर्न्स है हमारे हेला कंपनी के, बहुत बढ़िया हॉर्न्स है, मिडनाइट ब्लैक ट्विन टोन हॉर्न्स है, स्टाइल वाली रेंज। सो ये हॉर्न्स की जो आउटपुट रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी 110 डेसिबल्स की, तो टोटल 4 लगेंगे तो 220 हो गया। हाँ काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाएंगे, बट अगर आपको सिटी में चलाने हैं तो आप एक ही सेट इंस्टॉल कीजिए इनका। सो पहले मैं आपको हॉर्न्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सो ये रहने वाले हमारे हॉर्न्स, और इन हॉर्न्स की एक बहुत बढ़िया बात है इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, और जो इनकी बिल्ड है वो ABS मटेरियल की है, और शेप बहुत बढ़िया है, स्नेल टाइप हॉर्न्स हैं ये। और साथ ही साथ इनकी जो आवाज़ है वो मैं इनको चेक कर चुका हूँ, और जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा लाइक सॉफ्ट आवाज़ है। अगर आप मिंडा में जाते हैं, रूट्स में जाते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तिक्खी होती है और कानों में लगती है। और इनके साथ आपको यहाँ पे पत्ती और नटबोल्ट मिल जाते हैं लगाने के लिए इनको। और साथ ही साथ बात कर ली जाए इन हॉर्न्स की, तो इनकी MRP रहने वाली है 686 रुपीज़, और ये थोड़े कम में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इनको खरीदना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इनको खरीद सकते हैं। सो इन 4 हॉर्न्स के साथ हमें लगानी पड़ेगी 1 रिले। तो ये जो रिले है ये मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, बढ़िया है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 12 वोल्ट 80 एम्पियर की। कई रिलेज आती है 40 एम्पियर वाली, सो मैं 80 वाली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा। और कई लोग आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि जो हेडलाइट में रिले लगती है 6 पिन वाली, तो आप वो भी लगा सकते हैं। हाँ जी, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं कार का बोनट है उसको ओपन कर लेना, तो यहाँ पे बीच में लॉक होता है, इसको खोल लेंगे, यहाँ पे स्टैंड पे लगा देते हैं। और अब बम्पर खोलने के लिए यहाँ पे आपको पहले 4 स्क्रूज मिल जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4, और एक लॉक इधर है हमारा और दूसरा लॉक हमारा रहने वाला है इधर। सो पहले इन सबको खोल लेते हैं। सो ऊपर वाले हमें नट बोल्ट खोलने के बाद यहाँ पे दोनों साइड्स पे टायर के ऊपर वाली साइड, यहाँ पे एक एक स्क्रू होता है तो हमें वो खोलना दोनों वाली साइड, तो इसको निकाल लेते हैं, और ऐसा सा कुछ स्क्रू दिखेगा तो उधर से भी निकालते हैं इसको। सो गाइस पेज जो है हमने खोल दिए यहाँ पे, और अब इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, और सेम दूसरी साइड से भी। सो गाइस जो बम्पर है हमारा वो मैंने डाउन कर दिया, और इसके नीचे भी आपको 4 स्क्रूज और 2 ऐसे लॉक्स होते हैं, तो आपको वो निकाल लेने हैं। सो अभी कार की जो लुक है वो कुछ ऐसी सी है, एक हमारा हॉर्न लगा हुआ है इधर और दूसरा हॉर्न लगा हुआ है हमारा इस साइड। सो पहले मैंने दोनों इधर लगवाए थे, उसको मैंने शिफ्ट किया, उसका भी एक रीज़न था। सो बलिनो वगैरह और जो छोटी हमारी हैचबैक्स होती है उनमें इन हॉर्न्स के साथ दिक्कत क्या आती है, ये जो हॉर्न्स है जगह काफ़ी लेते हैं, लाइक आप देख सकते हैं मेरा हाथ और वो हॉर्न है। तो अगर आपकी कार का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो क्या होगा, ये जो हॉर्न है आपका पीछे ये AC का कंडेंसर है, इस पे बजेगा और कंडेंसर जो है वो आपका लीक कर जाएगा, फट जाएगा, और होता क्या है कई बार इंश्योरेंस में भी आपको उस चीज़ का क्लेम नहीं मिलता। सो ये इशू रहता है। तो अब हम इन हॉर्न्स को निकाल देंगे और इसकी जगह लगाएंगे अपने नए हेला के हॉर्न्स। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरे रूट्स के मेगासोनिक है वो मैं इनको निकाल चुका हूँ, एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा जगह खाली हो गई है यहाँ पे,
और ये वाले जो हमारे हॉर्न्स रहेंगे हेला वाले, तो इनको सबसे पहले फिक्स करने के लिए तो हमें एक बॉक्स में चार पत्तियां मिलती हैं, सो दो दो हम एक हॉर्न पे लगा देंगे और उसके साथ में यहाँ पे ये नट को कर देंगे टाइट। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी हमारे चार नए हॉर्न्स थे इनके ऊपर मैं सब पे पत्ती लगा चुका हूँ और अच्छे से सबको टाइट कर दिया है। और इस बार जो हम नेगेटिव देंगे वो हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो पत्ती हमारी वो पाउडर कोटेड है, तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा इसको रब करेंगे तो रस्ट रहने के चांसेस रहते हैं, तो हम डायरेक्टली वायरिंग कर देंगे। सो गाइस हॉर्न की प्लेसमेंट हो चुकी है और इसको टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 नंबर का आगे सॉकेट लगा हुआ है और पीछे यहाँ पे 10 mm की हमारा राउंड रेंच है, तो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अब आप सोचेंगे हॉर्न्स तो कंडेंसर के आगे आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, हॉर्न्स और कंडेंसर के बीच में बहुत स्पेस है, तो लाइक जितना मर्जी ये पीछे हो ले, ये उसके ऊपर जाके उसको हार्म नहीं करेगा। सो अब चारों हॉर्न्स को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको इसके कनेक्शंस। सो गाइस जो हमारे हॉर्न्स की प्लेसमेंट है वो सारी डन हो चुकी है, 1, 2, 3 और 4। सो ये प्लेसमेंट बहुत बढ़िया और कोई भी जो हॉर्न है वो आपस में टच नहीं हो रहा, तो बहुत सही तरह से लग चुके हैं। तो अब जो मैंने पुराने रिले के कनेक्शन थे वो निकाल दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही वायर हमारी आ रही है, सो ये 2.5 mm की वायर है जो बैटरी से होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर की वायर नीचे आ रही है, बैटरी पॉजिटिव, और इसके ऊपर यहाँ पे थिम्बल अटैच्ड है। सो ये एक ही वायर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो वायर्स लिए हैं 1 mm की थिकनेस है इनकी। सो हमें क्या करना है, इनके बीच में चार थिम्बल्स कनेक्ट करने हैं दोनों में, सो एक कॉर्नर पे आ जाएगा और तीन बीच में, और टोटल 8 थिम्बल लगाने के बाद हमारे पास आउटपुट बचेगी 2। तो एक के एंड में हम थिम्बल लगाएंगे और दूसरी के एंड में हमें वायर नेगेटिव के लिए छोड़ देनी है। सो पहले यहाँ पे थिम्बल्स को करते हैं कनेक्ट। सो गाइस यहाँ पे जो वायर है हमारी वो रेडी हो चुकी है, 1, 2, 3, 4 और 5 5 थिम्बल्स लगा दिए और इनको ऊपर से अच्छे से टेप कर दिया। सो दूसरी वायर भी हमें ऐसी बनानी है, तो सबको ऐसी बना लेते हैं फिर करते हैं कनेक्शन। सो गाइस यहाँ पे वायरिंग कर रहे हैं, अब एक जो हमने वायर तैयार की थी तो उसको लेंगे। तो एक हॉर्न का हमारा जो नेगेटिव है वो लग चुका है, तो अब ये जाएगा दूसरे हॉर्न में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। सो अब यहाँ पे हमारे पास एक एंड बचा है जिसके एंड पे थिम्बल लगा हुआ है, तो ये हम बॉडी अर्थ करेंगे, तो अभी इसको साइड पे छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा दो, इधर एक हमारा सॉकेट एम्प्टी है, इधर भी। तो अब इन सबको कनेक्ट कर देंगे जो हमने दूसरी वायर बनाई है उससे, सो कनेक्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो अर्थिंग वाला पॉइंट है, ये जो वायर आ रही थी हमारी नेगेटिव की, तो मैंने इसके ऊपर ही दे दिया यहाँ पे थिम्बल लगा के, और ये जो वायर है इसको हम केबल टाई से या टेप से बांध के पीछे इसको अच्छे से नीट एंड क्लीनली रख देंगे। और अब बारी हमारे कनेक्शंस की। तो अब हमारे पास टोटल रे में चार पॉइंट है, 85, 86, 30 और 87। सो 30 में हम लगा देंगे अपनी रेड वाली वायर जो बैटरी के पॉजिटिव से आ रही है, और 87 में जाएगी ये जो हमारे हॉर्न से पॉजिटिव आ रहा है, जो हॉर्न्स को पॉजिटिव जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स बच रहे हैं, 85 एंड 86। तो इसमें हमारी स्टॉक वायरिंग में एक हॉर्न का ये है और दूसरे हॉर्न की वायरिंग ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देना है, तो इन दोनों को हम इसमें लगा देंगे अब। सो चारों हमारे जो कनेक्शन हैं वो हो चुके हैं। तो सबसे पहला काम जो जरूरी करना है, इसके ऊपर सब पे टेप कर देना है और फिर केबल टाई की हेल्प से रिले को पीछे पे यहाँ पे बांध देंगे। सो एक बार पहले आप हॉर्न्स को चेक कर लीजिए, तो हॉर्न्स बजा के चेक करते हैं। सो जो हॉर्न्स हैं हमारे वो काम कर रहे हैं एंड इतने ज़्यादा लाउड हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, अभी आगे जाके आवाज़ सुनाऊंगा। सो पहले पूरा आगे से बम्पर वगैरह लगा लेते हैं नीट एंड क्लीनली, सबको टाइट कर लेते हैं एक बार। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फिटिंग सारी डन हो चुकी है, हाथ गंदे हो चुके हैं और बम्पर हमारा प्रॉपरली सही से लग चुका है। सो एक बार आपको हॉर्न्स की आवाज़ सुनाता हूँ फ्लाई बाय देते हुए। तो गाइस अब अगर एक बार आपकी कार पार्क्ड है तो आपको हॉर्न की कैसी आवाज़ आएगी? तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा लाउड है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये चीज़ इन हॉर्न्स की बेस्ट लगी मेरे को। तो एक बार मैं आपको कैबिन के अंदर से हॉर्न्स की साउंड सुनाता हूँ कि कैबिन के अंदर से कितनी नॉइज़ रहने वाली है। सो गाइस जैसा कि आपने देखा, आज हमने अपनी कार में इंस्टॉल करे चार हेला के हॉर्न्स एंड हॉर्न्स की जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा लाउड है, और ये हॉर्न्स भी थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, बहुत ज़्यादा लाउड है इसलिए इनको भी चेंज कर देंगे। तो ऐसे लगा सकते हैं आप अपने किसी भी व्हीकल में चार हॉर्न्स। हॉर्न्स की आवाज़ कैसी लगी नीचे कमेंट डाउन करके बताइए, और MPL ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट ना मिस करें मेरे चैनल से। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो, जितने भी लाइव अपडेट्स होते हैं सारे आपको वहीं पे मिलते हैं। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं एंड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन राइड सेफ राइड हार्ड, मिलते हैं किसी और बढ़िया वीडियो में। बाय बाय।